श्री गुरु नानक देव जी ने भारत ही नहीं विदेशों में भी यात्राएं की, काबा और मक्का तक भी गए। श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के संग रात के समय एक गांव में पहुंचे। दोनों ने एक वृक्ष के नीचे रात बिताई। सुबह हुई, भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाया और गुरुजी ने परमात्मा का नाम सिमरा। जिस गांव में गुरुजी पहुंचे थे उस गांव में एक विचित्र बात थी, और वह बात यह थी कि वहां सिर्फ संत और फकीर रहते थे, और उन फकीरों में जो प्रमुख फकीर थे उनको उनके शिष्य ने यह खबर दी। संत जी गांव में भारत से एक फकीर आया है, पहुंचा हुआ सिद्ध है। गांव के बाहर जो कुआं है ना, बस उसी के पास के नजदीक वाले पेड़ के नीचे ठहरा है। यह सुन प्रमुख फकीर ने एक पात्र लिया और उसमें दूध भर दिया, और इतना दूध भर दिया कि उसमें एक बूंद भी और जगह नहीं थी। जाओ यह दूध का कटोरा उस फकीर को हमारी तरफ से भेंट कर दो, पर ध्यान रहे इस पात्र से दूध की एक बूंद भी ना गिरे। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। मुखिया फकीर का शिष्य बड़ी सावधानी से दूध का कटोरा गुरुजी को भेंट देने के लिए चल पड़ा। यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि दूध का पात्र दूध से लबालब भरा था, और मुखिया फकीर का आदेश था कि दूध की एक बूंद भी ना गिरे। परंतु जैसे तैसे वह फकीर गुरुजी और भाई मर्दाना जी के डेरे तक पहुँचा। गुरुजी के पास पहुँच कर उसने कहा, आपका स्वागत है, मेरे सतगुरु ने आपके लिए यह भेंट भेजी है। गुरु नानक देव जी ने दूध के कटोरे को कुछ देर देखा। गुरु जी के चरणों में भाई मर्दाना जी ने सुबह सुबह कुछ डेजी के फूल रख दिए थे। गुरु जी ने उनमें से एक फूल उठाया और दूध से लबालब भरे कटोरे में रख दिया। फूल हल्का होता है और वह फूल दूध के कटोरे में ऊपर ही ऊपर तैरने लगा। एक बूंद भी बाहर नहीं गिरा। गुरुजी ने फकीर के शिष्य से कहा, ले जाओ इस भेंट को अपने गुरु के पास, मैंने इस भेंट में कुछ जोड़ दिया है। पर आपने तो सिर्फ एक फूल रखा है। तुम नहीं समझोगे परंतु तुम्हारे गुरु समझ जाएंगे। तुम इस पात्र को उन्हें जाकर वापस मेरी तरफ से भेंट दे दो। शिष्य फिर से दूध से भरा पात्र बड़ी सावधानी से लेकर अपने गुरु के स्थान की ओर चलने लगा। अपने गुरु के पास जाकर वह बोला, गुरुजी उस संत ने आपके लिए यह फूल भेंट स्वरूप भेजा है। जैसे ही उसने फूल देखा वह तुरंत उठा और गुरु नानक देव जी के डेरे की ओर दौड़ा। गुरु के चरणों में गिरकर बोला, आपका स्वागत है, आप हमारे मेहमान बने। मैंने दूध से लबालब भरा पात्र आपको यह बताने के लिए दिया था कि अब और फकीरों की इस बस्ती में जरूरत नहीं है। यहाँ पहले ही बहुत फकीर हैं, लबालब भरे हैं, यह मस्तों की बस्ती है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? परंतु आपने गजब कर दिया, आपने फूल तरा दिया। यह तो मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। यह फूल हल्का फुल्का है इसलिए डूबेगा नहीं, और जब डूबेगा ही नहीं तो पात्र से दूध छलकेगा कैसे। मैं समझ गया आपका संदेश कि आप बस्ती में आए हैं और फूल की तरह समा जाएंगे। आप आए, आपका स्वागत है। बस्ती में कितने ही फकीर हों आपके नीचे हैं। यह पात्र लबालब दूध से भरा है, इसमें एक बूंद भी जुड़ने की जगह नहीं है, परंतु फूल फिर भी तैराया जा सकता है। जिस तरह हवा सभी के लिए है, जल सभी का है, सुगंध हर किसी को बिना भेदभाव मिलती है, उसी तरह गुरु भी हर किसी के हैं। चाहे कोई संत हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, फकीरों को जीवन का राज समझाकर गुरु नानक देव जी अपनी अगली यात्रा को चले गए।
श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर हमारे द्वारा बनाई गई फिल्म की कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी फिल्म देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। मैं हूँ सिख गुरु। नहीं नहीं, मैं हूँ सिख गुरु। गुरु 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 लाधोरे, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे। गुरु तेग बहादुर को बाइज्जत परंतु कड़े पहरे में दिल्ली लाया जाए। हे प्रभु हमें बल दो ताकि हम अत्याचार के विरुद्ध कुछ कर सके। हे प्रभु हमें बल दो ताकि हम अत्याचार के विरुद्ध कुछ कर सके। भाई मतीदास, क्यों व्यर्थ में अपने प्राण गवा रहे हो? हठ धर्म छोड़ दो और इस्लाम को स्वीकार कर लो। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। हिंद की चादर, देश की सबसे बड़ी कुर्बानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें।